जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अगर आप एक आईफोन यूज करते हैं तो उस आईफोन के अंदर आपकी जो इमेजेस होती हैं, आपकी जो फोटो होती है, उनको कैसे आप हाइड कर सकते हैं बिना कोई ऐप डाउनलोड किए, बिना किसी वेबसाइट का यूज किए, सिर्फ अपने मोबाइल से उन फोटोज को कैसे आप हाइड करके रख सकते हैं अपने आईफोन के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आईफोन के अंदर फोटो या इमेज को हाइड करने के लिए सबसे पहले आपका जो आईफोन का फोटोज़ वाला एप्लीकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको अपना कोई भी इमेज जिसको आप हाइड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सबसे पहले ओपन करना है। तो मान के चलिए मुझे ये इमेज यहाँ पर हाइड करना है अपने आईफोन के अंदर। तो इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो सीधे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डॉट और एक सर्कल आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है, थर्ड वाला जो ऑप्शन है हाइड का, इस हाइड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया, अब नीचे आप देख सकते हैं हाइड फोटो का ऑप्शन आता है। ये जो हाइड फोटो का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो जो इमेज है वो हाइड हो जाएगी। आप देख सकते हैं वो इमेज यहाँ पर अब नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि हमने हाइड तो कर लिया, लेकिन इसको आप अब देखेंगे कैसे, दोबारा अगर आपको इसको रिस्टोर करना है या देखना है तो वो कैसे करेंगे आप। तो इसके लिए सिंपल से नीचे आप देखेंगे एल्बम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस एल्बम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस एल्बम वाले ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो नीचे थोड़ा जाने के बाद आपको एक ऑप्शन यूटिलिटीज़ का यहाँ पर दिखाई देता है और उसके अंदर एक ऑप्शन है हिडन का, यानी कि जो भी आपकी हिडन फोटोज रहेंगी, हाइड की गई इमेजेस रहेंगी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब इसको ओपन करने के लिए जब पहली बार इसको आप क्रिएट करेंगे तो एक पासवर्ड बनता है, उस पासवर्ड को डालने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने अपनी फेस आईडी लगाई हुई है तो मैं इसको हिडन पर क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ पर मेरी फेस आईडी मांगेगा, तो दोस्तों यहाँ पर फेस आईडी से मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों ये पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरा इसके सामने है, इसलिए मेरा फेस यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मान के चलिए मैं इसके अंदर पासवर्ड डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो इमेजेस हाइड की थी वो इमेज यहाँ पर है, यानी कि ये जो इमेज है मैंने यहाँ पर हाइड की है और वो इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसको वापस गैलरी में डालना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे फ़ोटो पर तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है, वही वो जो आपने पहले किया था। तो यहाँ पर वहाँ था हाइड का, लेकिन यहाँ पर है अनहाइड का, यानी कि अनहाइड में इसको आप भेज सकते हैं। तो अनहाइड पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये अनहाइड हो चुकी है। और अब मैं बाहर जाकर गैलरी के अंदर वो इमेज आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो इमेज मैंने हाइड की थी अब वो इमेज यहाँ गैलरी के अंदर आ चुकी है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने आईफोन के अंदर किसी भी इमेज को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों और ऐसे जानकारी भरे वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।